मंदिर के अंदर शिवलिंग का कितना विशाल रूप बनाया गया और काफ़ी अच्छा लग रहा है, देख सकते हो शिवलिंग है, काफ़ी खूबसूरत बनाया गया। देखिए मैं आपको पूरा स्क्रॉल करके दिखा रहा हूँ, काफ़ी अच्छा लग रहा है। देखिए जय श्री राम, हर हर महादेव। दोस्तों दोस्तों आज है मेरा मुंबई से 12 ज्योतिर्लिंग साइकिल यात्रा का छठवां दिन। आज मैं यात्रा नहीं करूंगा फ्रेंड, जैसा कि हम कल त्र्यंबकेश्वर पहुंच गए थे, हमारा दर्शन भी हो गया, हमने त्र्यंबकेश्वर का सब नज़ारा भी दिखाया आपको, बट आज जो है दर्शन नहीं है, मैं त्र्यंबकेश्वर में रुका हुआ हूँ। आज के दिन यहाँ आजू बाजू के जो भी अच्छे स्थल होंगे, अच्छे मंदिर वगैरह जो भी कुछ होएगा, मैं आपको इस वीडियो में पूरा दिखाऊंगा, तो वीडियो को पूरा देखते रहना। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले बार जोर से बोलते हैं प्रभु श्यावर रामचंद्र की जय। दोस्तों फाइनली त्र्यंबकेश्वर मंदिर से मैं चलते चलते 400 मीटर आगे आ गया और मुझे ये ज़बरदस्त वाला सीन देखने को मिला। देखिए काफ़ी खूबसूरत नज़ारा लग रहा है। और ये फ्रेंड जो आप चारों तरफ बड़े बड़े माउंटेंस देख रहे हैं ना, क्रिएटिविटी देखिए इसकी, ये जो बड़े बड़े माउंटेंस देख रहे हैं सब ट्रैकिंग पॉइंट्स है फ्रेंड, ये ट्रैकिंग माउंटेंस है। और ये सामने वाले में ब्रह्मगिरी पर्वत है जहाँ पर शंकर जी ने अपनी जटा बिखेरी थी, वहाँ हम जा, अगर वहाँ हमें जाने का मौका मिलेगा तो हम ज़रूर जाएंगे। बाकी मैं थोड़ा जूम करके भी दिखा रहा हूँ, देखो यहाँ का जो माउंटेन है, इस माउंटेन का व्यू देखिए काफ़ी लाजवाब लग रहा है। देखिए कितना खूबसूरत नज़ारा लग रहा है। बाकी अभी हम यहाँ से थोड़ी दूरी पे वाहेगुरु जी के पास जाने वाले गुरुद्वारा में, वहाँ चलते थोड़ा दर्शन वगैरह करेंगे और फिर थोड़ा बहुत नाश्ता करेंगे, खाएंगे पिएंगे, क्योंकि गुरुद्वारा का खाना काफ़ी लाजवाब होता है फ्रेंड्स। तो चलिए, तो दोस्तों आप देख सकते हैं नासिक में घूमने लायक काफ़ी ज़्यादा जगह है। देखिए नवनाथ घाट भी है जहाँ पे आप जा सकते हैं, श्री स्वामी समर्थ केंद्र है, फिर नासिक सीधा जाएगा, शिरडी सीधा जाएगा, दल्लिका धन्य आजी डोड़ा स्वामी निवित्त देखिला कुशावर्ती करो स्नान घेऊ निवित्ति दर्शन, मतलब नासिक में अगर चाहे तो आपको घूमने लायक काफ़ी ज़्यादा जगह है, बस आपको टाइम निकालना पड़ेगा। दोस्तों हम यहाँ से कंटिन्यू चलते आए हैं और चलते चलते मुझे एक देखिए मंदिर दिखा है, अभी मंदिर है कि आश्रम है मालूम नहीं, ये देख सकते हो पूरा नज़ारा काफ़ी खूबसूरत बनाया है। लेकिन इधर लिखा भी है श्री गजलक्ष्मी माता मंदिर, और ये है कुछ आसपास का नज़ारा देखिए। और अभी हम थोड़ा ऐसे चल रहे आगे गुरुद्वारा के साइड। तो दोस्तों अब भी मैं पहुंच चुका हूँ, आप देख सकते हैं श्री श्री त्रिसंधेश्वर महादेव मंदिर सदगुरु धाम आश्रम, ये आश्रम है और अंदर मंदिर भी काफ़ी अच्छा बनाया गया है, बहुत बड़ा आश्रम है, अंदर सत्संग वगैरह भी चल रहा है सकते हो। चलिए अंदर चलते देखते हैं अंदर क्या है। दोस्तों यहाँ से देखिए हम आए मेन एंट्री गेट के अंदर और ये है पूरा कुछ आश्रम का नज़ारा, ये पूरा सामने देख सकते हो, ये पूरा आश्रम है और ये सामने है देखिए मंदिर, श्री त्रिसंधेश्वर महादेव मंदिर, देखिए काफ़ी खूबसूरत बनाया गया। और यहाँ से जाने का रास्ता है, देखिए सीढ़ी वगैरह दिख रहा है। तो चलिए अंदर चलता और अंदर का नज़ारा दिखाता हूँ आपको। दोस्तों मैं महादेव के मंदिर के अंदर आ चुका हूँ और यहाँ का नज़ारा दिखता हूँ दिखाता हूँ, काफ़ी खूबसूरत और ज़बरदस्त मंदिर बनाया गया। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ बैक कैमरे से कि कुछ आसपास का नज़ारा है, और बैक कैमरे से दिखाता हूँ आपको काफ़ी अच्छा लगेगा। तो दोस्तों यहाँ से मेन एंट्री गेट है और मेन एंट्री गेट पर करते ही सबसे पहले हमारे नंदी बैल जी देख सकते हो, काफ़ी अच्छे लग रहे हैं, जय नंदी बैल जी। बाकी ये पूरा बाहर का नज़ारा है और अभी हम मंदिर के अंदर चलते हैं और मंदिर के अंदर का भी नज़ारा दिखाता हूँ आपको। तो दोस्तों देखिए ये है कुछ मंदिर के अंदर का ज़बरदस्त नज़ारा, ये देखिए काफ़ी ज़बरदस्त और ब्यूटीफुल मंदिर बनाया गया है। और यहाँ पे एंट्री गेट पे कछुआ भी बनाया गया, देख सकते हो टॉर्टोइस कितना ज़बरदस्त लग रहा है, ये देखिए अब ब्यूटीफुल लग रहा है टॉर्टोइस। बाकी यहाँ पे पोस्टर लगाए गए हैं, ये पोस्टर है श्री संत जनार्दन स्वामी महाराज जी का है, वहाँ पे भी लगाए गए हैं बेल। और ये मेन मंदिर है जहाँ पे महादेव जी खुद विराजमान है, मैं दिखाता हूँ। देखिए फ्रेंड्स मेन जो मंदिर है, मेन मंदिर के अंदर शिवलिंग का कितना विशाल रूप बनाया गया और काफ़ी अच्छा लग रहा है, देख सकते हो शिवलिंग है, काफ़ी खूबसूरत बनाया गया। देखिए मैं आपको पूरा स्क्रॉल करके दिखा रहा हूँ, काफ़ी अच्छा लग रहा है देखिए। और यहाँ पे फ्रेंड्स देखिए सामने यहाँ पे सरस्वती माता है, उनका भी स्टैचू रखा गया, और यहाँ में हमारे गणेश जी, काफ़ी खूबसूरत लग रहे हैं। बाकी ये कुछ परिसर का नज़ारा है, तो चलिए अब चलते हैं बाहर। तो दोस्तों कंटिन्यू चलते चलते मेरे को एक बहुत ही ज़बरदस्त खूबसूरत जगह दिखाई, जहाँ पे कि महादेव जी का विशाल रूप दिखाया गया, विशाल महादेव जी का प्रतिमा बनाया गया है। बट क्या है फ्रेंड्स, वहाँ हम जा नहीं सकते क्योंकि उधर जाने का रास्ता बंद कर दिया और वो पहाड़ के चोटी पे है। फिर भी मैं आपको बैक कैमरे से यहाँ से जूम करके दिखाता हूँ कि कितना खूबसूरत तस्वीर और
उनका साचा बनाया गया है। तो दोस्तों मैं यहाँ से आपको दिखा रहा हूँ महादेव जी का स्टैचू, देखिए कितना ज़बरदस्त लग रहा है, पूरा वाइट कलर में बनाया गया है। देखिए ध्यान में लीन होके बैठे हैं महादेव जी, ये देखिए ऊपर जा नहीं सकते फ्रेंड्स, रास्ता बंद है, नहीं तो मैं आपको नज़दीक से दिखाता। बाकी ये था कुछ आसपास का नज़ारा, महादेव जी सामने बैठे तो चलिए। तो दोस्तों कंटिन्यू चलते चलते तकरीबन 800 मीटर के बाद अभी हम पहुंच चुके हैं गुरुद्वारा, मेरे पीछे देख सकते हो। तो चलिए अभी अंदर चलते हैं, प्रसाद वगैरह ग्रहण करते हैं और यह कुछ आसपास का नज़ारा मैं आपको दिखाता हूँ, पूरा तो देखते रहिए। तो दोस्तों जैसा देख सकते हो ये है मेन एंट्री गेट गुरुद्वारा का, ये देखिए सामने लिखा है श्री स्वामी समर्थ अखिल भारतीय श्री स्वामी समर्थ गुरुपीठ श्री क्षेत्र तम्बरेश्वर जिला नासिक, और सामने देखिए लिखा भी है श्री प्रसादालय का टाइमिंग है 11 बजे से 5 बजे तक और 7 से 9:30। तो अभी चलते हैं अंदर देखते हैं। दोस्तों अभी मैंने जो आपको पहला गेट दिखाया वो गेट नहीं था, मेन एंट्री गेट गुरुद्वारा का ये है, ये देखिए सामने आप देख सकते हैं ये उसका मेन एंट्री गेट है। तो अभी हमें यहाँ से अंदर चलना है, इधर लिखा है देख सकते हैं अखिल भारतीय श्री स्वामी समर्थ गुरुपीठ, तो इसके अंदर अभी चलते देखते हैं। और अंदर का कुछ ऐसा नज़ारा है, देखिए मैं जूम करके दिखा रहा हूँ, अंदर का कुछ ऐसा नज़ारा है। तो चलिए अंदर, तो अंदर आने के बाद देखिए यहाँ पार्किंग की भी काफ़ी बड़ी जगह दी गई है, सुविधाएं काफ़ी अच्छी है। बाकी अभी हमें यहाँ से अंदर चलना है, देखिए यहाँ लिखा भी है मंदिरा कर जाने अच्छे मार्ग, तो चलिए अंदर। तो दोस्तों फाइनली मैं अंदर आ चुका हूँ और अंदर का ऐसा कुछ आसपास का नज़ारा है, देख सकते हो काफ़ी खूबसूरत है। अभी मैं वहाँ चलना है प्रसाद के लिए, तो चलिए जैसा भी नज़ारा होगा मैं आपको दिखाऊंगा। तो दोस्तों हम चलते चलते मंदिर के अंदर आ चुके हैं और ये मेरे पीछे देख सकते हैं, ये जो पीछे देख रहे हैं ना यही मेन मंदिर है, बाकी ये पूरा आसपास के परिसर का नज़ारा देख सकते हो। तो चलिए अभी हम चलते हैं मंदिर के अंदर, दर्शन वगैरह करेंगे, प्रसाद भी ग्रहण करते, उसके बाद में जो भी होगा आपको दिखाऊंगा नज़ारा, तो देखते रहिएगा। दोस्तों देखिए इधर से हम चढ़ के आए हैं और ये है मेन मंदिर का नज़ारा, अंदर वीडियोस फोटोज़ अलाउड नहीं है इसलिए मैं आपको बाहर से दिखा दे रहा हूँ। यहाँ से अभी हमें अंदर जाना है और सामने मंदिर है, बाकी आसपास के परिसर का नज़ारा देख सकते हो, ये पहाड़ के ऊपर स्थित बनाया गया है फ्रेंड्स ये। और मैं यहाँ के आजू बाजू का नज़ारा भी देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है, चारों तरफ माउंटेंस ही माउंटेंस है और सामने भी एक शायद कोई मंदिर है देख सकते हो माउंटेन्स के ऊपर। बाकी ये है कुछ हरियाली और हरा भरा नेचुरल का व्यू, नेचर का व्यू देखिए। तो चलिए चलते हैं मंदिर के अंदर। तो दोस्तों मंदिर के अंदर हम आ चुके हैं और ये मंदिर के अंदर का कुछ नज़ारा दिखा रहा हूँ, काफ़ी खूबसूरत है देखिए, काफ़ी ज़बरदस्त मंदिर के अंदर का नज़ारा बनाया गया है। और मैं आपको ये सामने दिखा रहा हूँ, जो सामने देख रहे हैं ना वो सामने मेन मंदिर है, देखिए सामने मेन मंदिर है। बाकी ये है पूरा आसपास का कुछ नज़ारा देख सकते हो, पूरा ऊपर भी देखो किस तरीके से बनाया गया है, देखिए काफ़ी खूबसूरत नज़ारा लग रहा है। ये है कुछ नज़ारा और सामने देखिए स्वामी पीठ महाराज जी का भी बनाया गया और और ये है कुछ नज़ारा। तो दोस्तों मैं आपको देखो ये मंदिर के बाहर नज़दीक से भी थोड़ा नज़ारा दिखाता, देखिए काफ़ी खूबसूरत लग रहा है। ये सामने देख रहे हैं मेन एंट्री गेट है और फ्रेंड्स मैं अंदर जाके आया ना, अंदर का माहौल एकदम शांत स्वरूप वाला था, सच में मज़ा आ गया एकदम। हर तरह के भगवान थे, पंचमुखी हनुमान जी भी थे और मतलब विष्णु भगवान हो गए और भी तरह तरह के भगवान थे, काफ़ी अच्छा लुक था, अंदर का वातावरण अंदर का परिसर भी काफ़ी शांत माहौल वाला था। और ये था है कुछ आसपास का नज़ारा देख सकते हो दोस्तों, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे फोटो भी लगाया गया अखिल भारतीय श्री स्वामी समर्थ गुरुपीठ त्र्यंबकेश्वर, और उस साइड में आपको दिखा तो सत्यमेव जयते का लोगो भी लगाया गया है, देखिए काफ़ी खूबसूरत लग रहा है। यहाँ पे देखिए पीछे से एक रुपया दिख रहा है, ये देखिए भारत इंडिया सत्यमेव जयते एक रुपये का इतना बड़ा कॉइन लगाया है। बाकी ये कुछ नज़ारा है यहाँ से देखिए दोस्तों, अभी हम दर्शन करने के बाद अंदर आ गए जहाँ पे प्रसाद वगैरह ग्रहण किया जाता है, यहाँ पे बस मात्र 30 रुपीज़ में आप भरपेट खाना खा सकते हो,
देख सकते हो। और अभी मैंने भी ले लिए 30 रुपीज़ देके, और यहाँ के अंदर का जो माहौल है ना, मैं आपको माहौल पूरा दिखाता हूँ। चलिए तो देखिए, वहाँ से एंट्री गेट है, वहाँ से एंट्री गेट है, बाकी यहाँ पे वहाँ सामने ही आपको 30 रुपये का कूपन लेना पड़ेगा। उसके कूपन लेने के बाद, और ये देख सकते हो, वहाँ से चलते चलते आपको सामने जाना है। वहाँ पे देखिए खाना देने के लिए लोग खड़े हैं प्लेट्स वगैरह लेके, बाकी ये सब कुछ टेबल्स वगैरह लगे चारों तरफ, जहाँ लोग बैठ के देखिए खा भी रहे हैं। और मैंने भी ले लिया, देख सकते हो, रोटी है, दाल है, चावल है, और ये स्वीट्स में कुछ हलवा वगैरह है। बाकी ये पूरा आसपास का नज़ारा देख सकते हो, 30 रुपीज़ में भरपेट प्लेट, और खाना भी काफ़ी टेस्टी है फ्रेंड्स, तो बहुत ही अच्छा है, देख सकते हो। तो चलिए अभी डिनर करते हैं, फिर मिलते हैं। दोस्तों हमारा दर्शन भी हो गया और हमने प्रसाद भी ग्रहण कर लिया, खाना भी खा लिया, काफ़ी अच्छा खाना था फ्रेंड, 30 रुपीज़ में भर पेट जितना चाहो उतना खाना हुआ, लेकिन एकदम टेस्टी था फ्रेंड, सच में मज़ा आ गया। और अभी हम नीचे आ गए हैं और दर्शन भी करने में काफ़ी मज़ा आ गया, और ऊपर का जो माहौल था, वातावरण था, एकदम शांत और कूल वाला था फ्रेंड्स। तो बैठने ऐसा मन कर रहा था कि 3-4 घंटा बैठो ना, एकदम मन अपना आनंदमय हो जाएगा। बाकी ये देख सकते हो, अभी मैं नीचे आ गया हूँ, तो अभी मैं जा रहा हूँ फिर से रिटर्न वहीं त्र्यंबकेश्वर की ओर, जहाँ पे मैं रुका हुआ था। तो चलिए अभी चलते, आगे का जो भी होगा वो दिखाऊंगा। बाकी यहाँ का आज का जो यहाँ तक का सफ़र था काफ़ी अच्छा रहा, बाकी आगे का क्या सफ़र रहता है मैं कंटिन्यू करता हूँ। तो चलिए, जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम, हर हर महादेव। तो मैं यहाँ से आपको दिखा रहा हूँ महादेव जी का स्टैचू, देखिए कितना ज़बरदस्त लग रहा है, पूरा वाइट कलर में बनाया गया है। देखिए ध्यान में लीन होके बैठे हैं महादेव जी, ये देखिए, ऊपर जा नहीं सकते फ्रेंड्स, रास्ता बंद है, नहीं तो मैं आपको नज़दीक से दिखाता।